देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों में आएंगे नतीजे। मतदान की सीमा 1 घंटे बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी, उसके अलावा 6ठे चरण के लिए 3 मार्च, 7वें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 5 राज्यों में 690 सीटों पर होगा चुनाव। 24 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार करेंगे वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 29% मतदान, पहली बार मतदान करेंगे मतदाता। 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो पर रोक, विजय जुलूस भी मनाने पर मनाही। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत, रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। 80 साल से अधिक उम्र के लोग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। प्रत्याशी सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन भी कर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, ईवीएम पर अब कोई चिंता नहीं, सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम, राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स हटानी शुरू की। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद नोएडा से हटाए गए पार्टियों के पोस्टर और बैनर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने हटवाए पोस्टर बैनर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हटाए गए पोस्टर। चुनाव आचार संहिता लगते ही लखनऊ से हटने लगे बैनर पोस्टर। अखिलेश और सीएम योगी के बीच शुरू हो गया डिजिटल वॉर। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, वो जो वादे करके मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। योगी ने ट्वीट कर कहा, हार मान गए बबुआ। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, ये सब घोषणावीर है। रैलियों पर बैन से नाराज अखिलेश ने डिजिटल प्रचार पर उठाए सवाल, बीजेपी की तरह नहीं है हमारा सिस्टम। सीएम ने कहा, चुनाव से पहले अखिलेश ने हार मानी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, नियम सबके लिए हैं तो हमें नहीं परेशानी, हम घर घर जाकर करेंगे प्रचार। पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से खुलासा, एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को दी थी जानकारी। पीएम के सड़क के रास्ते से जाने की कही थी बात। पंजाब सरकार ने पहले ही एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान तैयार किया था। 4 जिलों के अफसरों के अलावा कई अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, पीएम को कोई खतरा नहीं था, खुली वादियों में घूमकर चले गए। पंजाब के सीएम ने हाथ जोड़कर पीएम पर तंज कसा, कहा क्या सिक्योरिटी थ्रेट था प्रधानमंत्री जी, कहिए तो महामृत्युंजय पाठ करा दूं। पंजाब के नए डीजीपी के नाम का ऐलान हुआ, वीरेश कुमार भावरा बनाए गए नए डीजीपी। पंजाब में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस का भी हुआ तबादला। पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश में पाकिस्तान, कई ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक किए गए। देश में 24 घंटे में 1,58,000 से ज्यादा केस, 324 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, स्पा किए गए बंद। 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे मॉल और सलून। धारावी फिर बना कोरोना का एपिसेंटर, पिछले 5 दिनों में धारावी से 350 से ज्यादा नए कोरोना के केस। धारावी में इतने ज्यादा केस मिलने के बाद भी लोग सतर्क नहीं, अब भी 15% लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली। संसद भवन में कोरोना ने मचाया कोहराम, 400 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली में हर रोज करीब 10,000 कोरोना की सेल्फ टेस्टिंग किट की हो रही है बिक्री। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन का आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार कोरोना पेशेंट्स के लिए 5,650 नॉर्मल बेड और 2,075 आईसीयू बेड का करेगी इंतजाम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 14 अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स पर कोरोना के मरीजों के लिए बढ़ाए जाएंगे बेड्स। दिल्ली में दिखाई दे रहा है वीकेंड कर्फ्यू का असर, देर रात सुनसान नजर आई राजधानी की सड़कें। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती, रात में सड़कों पर घूम रहे लोगों से की जा रही है पूछताछ। पंजाब में कोरोना के 3,643 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 14% के ऊपर पहुंच रहा, पिछले 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में पिछले 24 घंटे में आए 4,526 कोरोना के केस, आरजेडी ने अपना पटना कार्यालय बंद किया। तारानगरी आगरा में कोरोना के 271 नए केस सामने आए, फिर भी शनिवार को ताज नगरी करीब 10,000 सैलानी यहां पर घूमने पहुंचे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा बंद की गई, प्रसाद वितरण भी बंद। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर फैसला, कल शाम से कोविन पोर्टल पर प्रिकॉशनरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 22 साल बाद दिल्ली में जनवरी महीने के अंदर सबसे ज्यादा बारिश से दिल्ली वाले हुए तरबतर। भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर के में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर खुखरी डांस किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ से ढके पहाड़, बर्फबारी का शानदार नजारा, तस्वीरें आई सामने। राजौरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, बर्फ के बीच पर्यटकों ने डांस किया।
पुंछ के मुगल रोड और आसपास के पहाड़ों में भी भारी बर्फबारी। घाटी के सभी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। काजीगुंड में लगी वाहनों की लंबी कतार। बर्फबारी के बीच काजीगुंड में फंसे पर्यटक। रास्ता बंद होने की वजह से हो रही परेशानी। शिमला में बर्फबारी से शहर पर ढकी सफेद चादर। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।